Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब। आज जो है हम लोग हैं वांगपिंग खो, क्योंकि आज हम लोग हैं रुचाओ और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं आज घूमने फिरने के लिए। और साथ रहिएगा, हमारे आज का जो व्लॉग है ना काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग ने जाना है बहुत सारी मजे मजे की जगह। और मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स भी हैं, से हाय। और ये इधर भी हमारे साथ साथ सारे आ रहे हैं। गाइस ये देखिए कितने प्यारे घर बने हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने नोट किया है ना, यहाँ पे घर इसी तरह के बने हुए हैं सारे, मतलब चाइना के वो ट्रेडिशनल टाइप जो घर होते हैं ना उस तरह के नहीं, सब इस तरह के डिजाइन है। हम लोग यहाँ जंगलात से गुजर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, क्योंकि हमारे इधर लेफ्ट साइड पे ये सी है, इस वजह से जो है ठंडी हवाएं चल रही है यहाँ पे। गाइज ये सिटीज यहाँ की शंतोंग की कोई अलग ही सिटीज है, बिल्कुल अलग अलग लगती है मुझे बाकी सिटीज से। अब ये क्योंकि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स है ना थोड़ी वेस्टर्न स्टाइल की आपको नजर आती है, चीजें थोड़ी चेंज नजर आती है। कि हम लोग आ रहे थे ना, मुझे लगा कि हमें यहाँ पे उतारेंगे और हम आराम से देखेंगे, लेकिन नहीं, हमें ये हमें वापस दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। लेट्स सी कि दूसरी जगह आप कौन सी है, कहाँ पे हमने विजिट करना है, क्योंकि यहाँ पे शायद धूप भी बहुत ज्यादा ना, धूप की वजह से कह रहे हैं। तो लेट्स गो। अभी हम लोग आ गए हैं रिचाओ पोर्ट, शंतोंग पोर्ट ग्रुप। इसके बारे में हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन देंगे, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था यहाँ पे सी है, तो उससे रिलेटेड फिर पोर्ट ग्रुप से रिलेटेड आज जो है हमें बताएंगे यहाँ पे। हमें लगा हम सिर्फ वीडियो ही देखेंगे, लेकिन ये आप लोग देखें, पहली दफा मैं ऐसी जगह देख रही हूँ। ये देखिए कंटेनर्स ही कंटेनर्स, जो हम सुनते थे चाइना से फलाना कंटेनर आया है, ये आया है चाइना से, तो ये देखें ये यहाँ से जाते हैं कंटेनर्स, बड़े बड़े पता नहीं हजारों की तादाद में, तो पीछे तक कंटेनर्स ही कंटेनर्स रखे हुए। और ये देखें पोर्ट, क्या बात है। चाइना के जिस सिटी में भी जाए ना, नई नई चीजें देखने को मिलती है, बिल्कुल आपको सरप्राइज कर देती है। मैंने सोचा नहीं था कि हम इस तरह से प्रॉपर उधर आके देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ वीडियो देखी थी, तो मुझे आइडिया नहीं था ये इतनी बड़ी जगह है ना। ये आप लोग देखें, ये पूरी यूं यहाँ से फिरते 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 जाएं, यूं सारी सारी जगह पे ये जो है ये कंटेनर्स हैं, इनका पोर्ट का सारा सिस्टम है। ये जो पोर्ट है ना 1982 में जो है इन्होंने इसका काम वगैरह जो है वो शुरू कर दिया था, और 1986 में जो है ये बन चुका था सारा, इनका काम शाम शुरू हो गया था 90। और अभी 100 प्लस कंट्रीज है जहाँ पे यहाँ से चीजें वगैरह जाती हैं, आती हैं, जाती हैं। ये कंटेनर्स आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ से शुरू होते तो उधर एंड तक जाते, मेरी नजर जहाँ तक जाती है ना, तो ये वहां तक कंटेनर्स रखे हुए सारे। तो अगर आपने बिजनेस करना है ना, चाइना आए, चाइना के बिजनेस करें, यहीं पे फ्यूचर है आपका, यहीं पे है सारा कुछ। बिजनेस करना है, पैसा लगाना है, आए चाइना में इन्वेस्ट करें यहाँ पे, और अपने मुल्क को जो है वो अमीर करें। तो गाइज आप लोगों को पता है ये जो पोर्ट है ना 40 सालों में जो है ये इतना बड़ा बना है, और ये दुनिया का पहला पोर्ट है इस तरह से, क्योंकि इन्होंने ये बताया कि जितना बड़ा ये पोर्ट है ना, इस तरह बनने के लिए आपको 100 साल चाहिए होते हैं, मतलब किसी भी पोर्ट को यहाँ तक पहुँचने के लिए 100 साल चाहिए होता है। ये वाला जो है दुनिया का पहला है जिसको सिर्फ 40 साल लगे, जैसे 1986 से जो है ये शुरू हो गया, तो अभी देखें तकरीबन 43 हो गए शायद, इतना ही है मेरे ख्याल में अगर आप काउंट करें तो, मतलब 40 प्लस में इतने सालों में ये इस लेवल तक पहुंच गए, इसके लिए एक लाइक बनता है। गाइस यहाँ पे हम लोगों का विजिट हुआ कंप्लीट, और इस जगह ने मुझे सही हैरान कर दिया कि इतना बड़ा पोर्ट इतने कम सालों में ये यहाँ से यहाँ पहुँचाया, अनबिलीवेबल। चाइना की तरक्की का राज एक और जो है हमने जो है वो फाशियन कर लिया, लाइक डिस्कवर कर लिया। चाइना की तरक्की हर जगह नजर आती है, पता चलता है कि एक बहुत ही कोई तरक्की याफ्ता मुल्क है। अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट हमारे विजिट पे, ठीक है नेक्स्ट हम लोग कहाँ जाते हैं। गाइस अभी हमारी ये वाली लोकेशन है माउंटेन थियन थाय, आगे चलते हैं जाके देखते हैं सन सिटी को। इस सिटी में ना काफी सारी ऐसी चीजें हैं कि आप देख सकते हैं, और आएंगे और देख देख के आप थक जाएंगे, आपको टाइम चाहिए होगा मजीद यहाँ पे एक हफ्ता और रुकने का, कि आप सुकून से जो है वो शंतोंग देखें। हम लोग तो जल्दी जल्दी में घूम फिर रहे हैं ना, वैसे अगर छिंगताओ में आप 3-4 दिन आराम से रहें, वहाँ पे घूमें फिरें, बीच पे जाएं, मज़े करें, और उसके बाद फिर आप लोग यहाँ आएँ सन सिटी, जहाँ पे लोग सुबह सुबह जाते हैं जाके सूरज निकलता हुआ देखते हैं सिटी से, तो क्या ही मज़े।
हम लोग तो जल्दी जल्दी में देख रहे हैं। खैर, अपने कैमरे से मैं आप लोगों को साथ साथ दिखा रही हूँ कि चाइना असल में कैसा है, चाइना असल में दिखता कैसा है, रियल में चाइनीज लोग कैसे हैं, चाइना कैसा है, तो वो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। अपने साथ साथ जो मैं देखूंगी वो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। हमारे लिए इन्होंने यहाँ पे कैप रखी हुई है जो मुझे कब से इंतजार था जिसका। कैन आई टेक? ओके ओके, थैंक यू। क्योंकि इतनी ज्यादा धूप थी ना, मैं अपनी लेके साथ नहीं आई। तो अभी देख सकते हैं सबने कैप पहनी है। यहाँ से जो है वॉक करके ऊपर जा रही हूँ, काफी प्यारी सी ये जगह है। अब मैं आप सब लोगों को लाजमी रिकमेंड करूंगी कि आप लोग शंतोंग जो है वो विजिट के लिए लाजमी आए। हम लोगों ने ये जो स्ट्रीट है ना, ये सारी क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाना है, और ये स्ट्रीट हमने ऊपर जाके अच्छी सी सीनरी वगैरह देखनी है, और उसके अलावा यहाँ पे कल्चर से रिलेटेड हमें कुछ चीजें नजर आ सकती है। ये देखे ना, यहाँ पे शॉप्स वगैरह बनी हुई है। गाइज, ये आप लोग देखें, बड़ी फनी सी एक चीज मुझे नजर आई है यहाँ पे। इसके अंदर जब इसको वो राउंड में घुमाते हैं ना, तो बंदा भी इसके पीछे राउंड राउंड घूमता है। तो इसका मतलब है, इसका मतलब है चुन चाइनीज में ना, गोल गोल फिरने का। तो मतलब चाइनीज में इसका दूसरा मीनिंग आता है, मतलब पैसों का ना, कि आप पैसे कमा सकते हैं। चुन चैन, ऐसे देखो भाग रही है लड़की, आप देखे इस तरह से। इसका मतलब है कि चुन चैन। गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं हाइकिंग, ऊपर जाके देखते हैं हमारे लिए क्या नया सरप्राइज है। Yeah, hello my Pakistani people, I'm a king, the king of Cameroon. Yeah, king of Cameroon. ऊपर तक आ चुके हैं हाइकिंग करके, और अब यहाँ से हम लोगों ने वापस निकल जाना है। सारी चीजों के पता नहीं कौन कौन से फ्रूट्स हैं इनके साथ, मुझे भी नहीं पता। मैंने रास्ते में भी आते हुए काफी सारे इस तरह के देखे ना, इस तरह के ना, यही कलर, यही दरख्त है लेकिन ये रेड कलर के। गाइस, गर्मी का तोड़ आइसक्रीम, ठंडी ठंडी हवाएं लगी है ना। मैं现在来到了最高的地方，还没有到最高的地方就是那个。Guys, 最高的地方就是那个。Guys, 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 最高的地方सारी चीजें भी रखी हुई हैं कल्चर से रिलेटेड। और ये देखें, ये हैंडमेड चाय। ओके, मैं अब अपने लिए सीट ढूंढू और मैं बैठू। हम सब लोगों ने जो है ये बनाना है, ये देखें, ये पत्ते हैं, इनको हम लोगों ने ऐसे ऐसे करके ना छोटे छोटे उसमें कर देना है, चाय बनानी है हम लोगों ने खुद। ये काफी अच्छी एक्टिविटी है। ये देखें ना, यहाँ पे डिफरेंट पड़े हुए। ओके सो गाइस, अभी मैं बनाने वाली हूँ चाय आप लोग के लिए। पत्ते जो है वो गोल डालेंगे इसके अंदर। यहाँ पे सब अपनी अपनी चाय बना रहे, मेरी देखें क्या हाल हो गया इसका। मैं पिक्चर्स बनाने में बिजी हो गई हूँ यहाँ पे। गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो एक्सपीरियंस किया चाय बनाना। तो मैंने तो घर कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैं बिजी हो गई थी पिक्चर्स वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि जगह काफी प्यारी थी। तो अब हम लोग यहाँ से अब आगे कहीं जा रहे हैं, और काफी अच्छी जगह है ये। हम लोग इतनी हाइकिंग करके ऊपर आए ना, ऊपर आके फिर ये प्यारी सी जगह, और यहाँ पे आप बुक्स ले सकते हैं। अगर आप नीचे से हाइकिंग करके ऊपर आते हैं और आपका दिल चाह रहा है इस अच्छे से व्यू में, आप बैठे हैं, चाय का कप हो आपके साथ और एक बुक, तो आप वो कर सकते हैं यहाँ के। लेकिन आपके पास टाइम ज्यादा सर होना चाहिए, हमारी तरह थोड़ा सा टाइम नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग सही ऊपर हाइट पे आ चुके हैं। गाइज, हम लोग वॉक कर करके थोड़ा बैठ बैठ के गाड़ी में यहाँ तक पहुँच आए हैं, इस जगह तक। गाइज, हम लोग फाइनली यहाँ तक पहुँच आए, तकरीबन हमें आते आते एक घंटा लग गया यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। ये देखिए ऊपर से ये सारा व्यू है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मुनाल आ गई हूँ मैं। नीचे सारा इस्लामाबाद, ये देखिए रोड भी वैसे ही ऊपर ऊपर आ रही है। गाइज, अभी हम लोग आ चुके हैं टी गार्डन, यहाँ पे देखें, ये देखे छुआ मीसू ना, लो छुआ पे अंदर हम सब लोग आ गए बोट के अंदर, और यहाँ पे हम लोग ने चाय पीनी है। तो यहाँ पे भी हम लोग जो है वो चाय के पत्ते जो है वो जाके तोड़ेंगे। अच्छा, ये यहाँ पे अंदर जाते हैं ना, ये देखें इनको यहाँ पे ड्राई करें। इसमें जो है ना इसका टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पे थोड़े पत्ते इसके तोड़ते हैं। ये है टी, ये देखिए आप लोग,
इनको ये क्या करते हैं कि इनको ये रोस्ट करते हैं, उसके बाद फिर इसको वो ड्राई हो जाती है, फिर उसकी जो है वो टी बनती है। Very nice, very beautiful, and very easy. Easy? Yeah, very easy. हाँ जी, तो गाइस हमारा यहाँ पे जो हमारा टूर है वो कंप्लीट हो गया है, और आप इस जगह को कह सकते हैं टी बेस, टी हाउस कह सकते हैं इस जगह को। और आप लोग सोचें कि चाइना किस किस जगह से जो है वो पैसा कमा रहा है, आप लोग सोचें एक दफा। जैसे हम लोग सुबह गए पोर्ट पे, उसके बाद देखें हम लोग यहाँ आ गए, बल्कि इससे पहले भी हम लोग एक पार्क में गए, माउंटेन पे गए थे, और यहाँ पे आ गए अब टी हाउस। तो आप लोग वैसे एक मिनट के लिए सोचें कि चाइना किस किस चीज से पैसा कमा रहा है, वो नहीं देख रहा कोई बड़ी चीज है कोई छोटी चीज है, बस जहाँ से पैसा आप कमा सकते हैं ना उधर से कमाएं। मतलब आप बड़े सिटी में चले जाएं, किसी छोटे सिटी में चले जाएं, उन्होंने हर चीज को ना एक मतलब इस तरह बनाया है कि वो उससे पैसा कमा सके। मतलब वो इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसके अंदर से वो पैसा कमाते हैं दोबारा। तो ये सोचने वाली बात है, मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई है ना, आप अगर आपने सारी देखी हो तो आपको अंदाजा होगा कि चाइना किस किस जगह से किस किस तरीके से जो है पैसा कमा रहा है। तो सोचिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वहाँ पे अब सब लोग बैठ के जो है वो टी एंजॉय करने वाले। गाइस वी आर हैविंग हाँ जी, तो गाइस यहाँ पे अभी हम लोग आ चुके हैं खाना खाने के लिए, और आप लोग देखें अभी शाम है यहाँ पे, और ये हमें ले आए खाना खाने के लिए, क्योंकि इनको लग रहा है कि हमें भूख लग गई होगी, हम पूरा दिन घूमते फिरते रहे, लेकिन जो खाया था अभी यहाँ तक है। इतना ज्यादा हमें आजकल खिला रहे हैं ना, मैं जब आई थी मेरा वेट था 53 और अभी मेरा वेट हो गया 58, मैंने रात को चेक किया था। इतना ज्यादा हमें खिला रहे हैं ना आज, बस इनको ये है कि इनको भूख ना लगी हो, थक गए होंगे, इसे बार बार कुछ ना कुछ खिला रहे होते हैं। और अभी जो है हम लोग रात को खाना खाने के लिए यहाँ आए हैं, काफी प्यारी जगह ये। हम लोग खाना खाने के लिए आए, उसी के साथ ही इन्होंने एक पूरी लाइब्रेरी बनाई हुई है बुक्स की, जहाँ पे सिखाते हैं कि आपको चॉकलेट कैसे बनानी है, उससे रिलेटेड चीजें कैसे करनी है। देखें इस तरह की बुक्स है सारी, कुकिंग से रिलेटेड और बेकिंग से रिलेटेड सारी बुक्स है। ये देखें चाइना में ना सारा कुछ है, आप सोच भी नहीं सकते ना, वो चीजें आपको नजर आएंगी कहीं भी जाएं ना। अभी हालांकि हम लोग यहाँ खाना खाने के लिए आए थे, और इधर ही उन्होंने एक कॉफी की शॉप बनाई हुई थी, जहाँ पे वो चॉकलेट्स बना रहे थे, वो सेल कर रहे थे। और अभी इधर आए थोड़ा सा आगे, और यहाँ पे प्रॉपर इन्होंने ये बना दिया है कि देखे कि चॉकलेट को कैसे बनाना है। ये देखे लोग आते भी है यहाँ पे बैठ के, साथ ये कैफे टाइप भी है ना, साथ साथ ये है कि वहाँ से लोग अपने रीऑर्डर शॉर्डर कर सकते हैं खाना शाना, लाइक कॉफी वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, केक वगैरह, और उसके अलावा वो यहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं बुक्स वगैरह। तो ये देखिए कितना अच्छा इन्होंने किया हुआ, ये मतलब इस छोटी सी चीज को इन्होंने इतना वो अट्रैक्टिव बना दिया कि लोग यहाँ आते हैं, पिक्चर्स के लिए आते हैं, वीडियोस बनाते हैं आके, और साथ यहाँ पे इंजॉय करते हैं और अपना अच्छा टाइम जो है वो यहाँ पे स्पेंड करते हैं। एक और जगह जहाँ पे हम लोग ब्रेड देखने के लिए आए हैं, ये जो ब्रेड है ना, इसको 24 आवर्स लगते हैं बनने में, तो इतनी यम्मी है ना ये देखें सॉफ्ट। यहाँ पे अपना ये आइसक्रीम का जो है वो भी बिजनेस कर रही है, क्यूट क्यूट सी मिनी मिनी सी आइसक्रीम। तो लोग इन चीजों से जब अट्रैक्ट होते हैं फिर वो खरीदते हैं। और बाकी आप यहाँ का एटमोसफेयर भी देख लीजिए कि ये कैसा है। मैं बस सब्जियां खा रही हूँ, क्योंकि बाकी बच्चे नहीं खाने हो रहा, तो सब्जियां खाते हैं। ओ, मैं खाने खाया होता ख्वाई से तो नहीं खाए। We are back. You have energy. गाइस हम लोग वापस आ चुके हैं हमारे ट्रिप से, हुआ आज का हमारा दिन खत्म, और दिन आज का हमारा बहुत अच्छा गुजरा है। रिल चाओ में आज ही हमारा पूरा दिन था, और बहुत ही आला किस्म का दिन गुजरा है। सुबह सुबह हम लोग गए पोर्ट पे, उसके बाद फिर हम लोग चले गए ऊपर पहाड़ के, फिर हम लोग चले गए जी टी हाउस, पता नहीं कहाँ कहाँ आज हम गए, और अभी वापस आए और अभी आके फ्रेश फील कर रहे हैं। आज का दिन वैसे बहुत अच्छा गुजरा है, और चाइना को ऐसे तरक्की करते हुए देख के बहुत अच्छा लगा, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हम भी इससे कुछ सीखेंगे। और अभी जो है मैं जा रही हूँ अपने रूम की तरफ, और कल हम लोगों ने जाना है शंघाई। शंघाई जा रहे हैं हम लोग कल। तो आज की जो वीडियो थी वो बस इतनी थी, अब इंशाल्लाह मिलते हैं मेरी कल की वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।